दोस्तों नमस्कार, देसी इलाज डॉट कॉम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, कि किसी काम में बिजी था। आज का दोस्तों हमारा विषय है आँखों के नीचे के काले धब्बे। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, कुछ बैग्स टाइप के बन जाते हैं, ब्लैक बैग्स जिसको बोलते हैं, काले घेरे होते हैं। इसको दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ। बेकिंग सोडा ले लीजिए, थोड़े से पानी में उसको घोल लीजिए, ज़रा सा गाढ़ा रहे, और हल्का सा उसका थिकनेस जो है उतनी हो कि उसमें गांठें ना पड़े। हल्का सा लेके उसको अपनी फिंगर टिप्स पे लीजिए और हल्का आँखों के नीचे लगाइए, और हल्का सा मसाज के फॉर्म में लगाइए, गोलाई में घुमाते हुए। लगाने के बाद 20 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दीजिए, और उसके बाद खूब अच्छी तरीके से सादे पानी से उसको धो लीजिए। हफ्ते में एक बार रिपीट करिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपकी आंखों के नीचे के काले धब्बे ख़त्म होते आपको नज़र आएंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू मिला सकते हैं, नींबू मिलाने से भी काफ़ी कुछ फ़र्क आपको अच्छा लगेगा उससे। नींबू अगर मिलाएंगे तो नींबू सीधे सीधे आप बेकिंग सोडा में मिला लीजिए, उसमें भी थिकनेस ऐसी रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, कि उसमें थक्के ना बन जाए। गाढ़ा हो लेकिन उसका कलर हल्का सा येलोइश हो, इसे इतना बना के रखिए, और उसको वही फिंगर टिप से आँखों के नीचे मसाज करते हुए गोलाई में उसको लगाइए, और 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से खूब सारे पानी के साथ धो लीजिए। हफ्ते में एक बार रिपीट ज़रूर करिए, देखिए बहुत जल्दी आपको उसका फ़र्क दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके पास भी कोई इस्तेमाल किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ, ट्रस्टेड और टेस्टेड कोई भी देसी इलाज है, तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए, या हमारी वेबसाइट www.desiilaaz.com पर शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।